कैसे हिंदू छोटे लालच में आ जाते हैं? कर्म मतलब ये है कि मेरा कहने का ये है कि भाई आप ये देखो ना कि सही आदमी को चुनो, आप सही आदमी को चुनते नहीं है। नहीं, देखो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं सहमत नहीं हूंगा। देखो इसके दो बड़े कारण हैं जो मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूं। एक पहला बहुत बड़ा कारण है कि जो ये व्यवस्था है ये लंबे समय से थुपी हुई है, राइट? और ये बिल्कुल अंग्रेजों ने किस मकसद से थुपी हुई है इसका एहसास लोगों को नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इससे हटके कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, नंबर वन। नंबर टू, ये दुष्ट लोग गलत लोगों को ही टिकट देते हैं, तो हम हाँ खूब उनको गाली देंगे, गलत लोगों को जो है ना जिताते हैं। उनके पास मेरा ऑप्शन क्या है? नहीं, ये बात ठीक है जब ये। सभी दुष्ट लोग जो है ना खड़े हो रहे हैं, अच्छा नियम कानून अच्छा बनाते नहीं है, तो यदि नोटा को भी एक कैंडिडेट मान लिया जाता तो लोग बाग नोटा को जिता के इन्हें हराते, और उसमें नियम होता कि जो भी हारेगा नोटा से उसे 10 साल तक किसी भी चुनाव को लड़ने बिल्कुल की बिल्कुल पात्रता नहीं होगी, तो जो है कुछ डिटरेंस आती। तो ऐसे नियम कानून तो ये बनाएंगे नहीं ना, ना ना तो वो हम उस आदमी को क्या गाली दें? अच्छा नंबर वन। जी नंबर टू, वो किसी भी जाति का हो, जो ज्यादा जी विद्वान और ज्यादा तर्क करते हैं वो इतने दुष्ट हैं कि वो वोट जी देने भी नहीं जाते हैं, हाँ हाँ तो हमने तो दुष्टता का ठेका लेके रखा है ना। जी हाँ और जी फिर उन व्यक्तियों को गाली देते कि साहब इनको चुनते, अरे वो तो अच्छा बुरा चाहे जो है ना कत्ल की रात में दारू लेके, पैसे जी लेके, साड़ी लेके, चाहे बिक के जो है ना वोट देते हो, कम से कम उन विद्वानों से तो वो फिर भी अच्छे हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। नहीं, देखो मैं वही तो आपसे यही कह रहा था कि छोटे लालच में बिक जाते हैं। भाई आप ये समझो ना कि देखो दुष्ट को क्यों देखो 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 क्यों टिक देखो क्यों वोट दे, वो भले ही टिकट दे। हम बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं। वो व्यक्ति जो है ना बड़ी चीज देख पा रहा है, ना समझ पा रहा है, इन लोगों ने उसकी बुद्धि कुंठित करके रखी है, फ्री भी बांट के उसका आत्मसम्मान खत्म कर दिया है, दारू पिला पिला के उसको जो ना एक गंदी नाली का कीड़ा बना दिया है, ना जिसकी सोच है ना शक्ति है। तो किसी को तो जगाना पड़ेगा ना उसको जाके, नंबर वन। नंबर टू, क्राइम फ्री भारत मिशन तो और भी बड़ी चीज लेके आ रहा है। वो कह रहा भैया तुम गरीब हो और बिक जाते हो छोटे पैसे में, तो हम तो आपको लूटने का तरीका बता रहे हैं। अब नेता आए तो उनसे जो है ना 1-2 हजार नहीं, 10 हजार या 20 हजार नहीं, से कम मत लेना। साड़ी एक नहीं लोगे 6 लोगे, दारू की एक बोतल नहीं लोगे 20 लोगे, राइट? और वोट उन्हें नहीं दोगे, वोट चंद्रगुप्त को दोगे, और तब तक जो है हम इन दुष्टों के साक्ष्यों के सहित इनको जो है ना जेल में डाल देंगे, तो ये आपको प्रताड़ित करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। तो जो इनकी शक्ति है, हम तो शक्ति को ही जो है ना खराब कर दे रहे हैं। कत्ल की रात में तुम पैसे बांटो तो हम तो इस बार पैसे नहीं बांटेंगे, इस बार हम लूटेंगे, आपको लूट लेंगे, और टिकट आपको फिर भी जो है ना वोट आपको फिर भी नहीं मिलेगा, और इसके बाद जो है एक ऑर्डिनेंस लाके आपको जेल में भर देंगे। देखिए आपको जो है जो बीमारी है उसका काट निकालना पड़ेगा, वो तो गाली भाई देने से या सोचने से या ना ना आदर ना आदर्श जब की बात नहीं नहीं करने से नहीं काम जब नहीं चलेगा। ना ना जब हम गलत को हम चुन रहे हैं तो हम कुछ कहने के हकदार नहीं है। देखो मेरी बात यह है भाई, उसकी तो सोच वही है, वो तो मर्यादा, उसका आत्मसम्मान कुंठित कर दिया है इन्होंने। उसे तो दारू पिला के जो है ना वो अपनी ही बीवी बच्चों को कूट रहा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है। नहीं, एक ही उसका एक ये और भी उसका होगा सर एग्जिस्टेंस तो उसका एग्जिस्टेंस तो जानवर जैसा हो गया है ना। कि छोटे एरिया में भले ही समझ लीजिए, आजकल तो कोई वोट मांगने भी नहीं आता, दारू नहीं तो कौन देगा। अरे नहीं, वोट बांटने भी आते हैं, पैसे बांटते हैं। आप तो कह रहे हैं कि कोई नहीं आता है, अरे ढेर से आते हैं, बड़े लोगों के पास नहीं आते हैं, जिनको खरीदना होता नहीं है नहीं वहां आता जाते हैं, है स्लम एरिया में जाते हैं, छोटे उसमें जाते हैं, और भर भर के नहीं, छोटे में जाते हैं नहीं। आपके पास कोई नहीं आएगा जी। और आपको बांट भी नहीं सकता, आपको खरीद भी नहीं सकता है। जिसको आसानी से खरीदा जा सकता है उसको खरीदा जाता है और धड़ल्ले से खरीदा जाता है। और आप तो छोड़ो, आप बड़े बड़ों को ये पंच सरपंच में जो है ना दारू मुर्गे और ये पैसे बंटते हैं पंच सरपंच में, तो फिर हमको मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन ग्राउंड की हकीकत तो यही है। और हम उस गरीब व्यक्ति की व्यवस्था को समझें तो हम जी
वो मॉडल निकाल पाएंगे कि वो गरीब की उपहास भी नहीं होगा, वो लूट भी पाएगा, और बाद में तो वो समृद्ध समृद्ध होने वाला है, वो गरीब बना बचा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो समृद्ध होगा तब तक उसे उसका विश्वास नहीं है, राइट। जी हाँ लेकिन यदि आप उसको आज लूटने का इजाजत भी दे देते हो, और जो व्यक्ति उसका वोट खरीदने आया है उसको जेल डालने की आप प्रक्रिया भी बना लेते हो, तो फिर वो जी आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हो पाएगा। जी क्यों? क्योंकि उसका नुकसान नहीं हो रहा है और आगे के फायदे भी दिख रहे हैं उसको, और कोई बाहुबली उसको जो है ना प्रताड़ित भी नहीं कर पाएगा। तो हमें सामने वाले की पैर में जाके, जब तक हम उसके जो है ना शू में नहीं जाएंगे, तब तक हम उसकी जी हाँ दिक्कतों को नहीं समझ पाएंगे। किसी को बिल्कुल भी गाली देना बहुत आसान काम है। ये बताओ, जी आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इन दुष्ट जी राजनेताओं ने उसकी ये हालत बना के रख दी है। ये खुद राजनेता जो पटरी पे बैठते थे, आज थाउजेंड्स करोड़ के जो ना मालिक बने हुए हैं, तो ये तो जी हाँ जी दुष्टता के ऊपर दुष्टता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप बताइए, अभी मुझे बताया गया कि पीएम केयर फंड में जब आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन मांगी गई, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि ये प्राइवेट फंड है। अरे, प्राइम हाँ मिनिस्टर जिसका चीफ हो, जिसका नाम पीएम केयर फंड हो, जिसमें सभी मंत्री जी सदस्य हो, और जिसमें जो है ना लोगों ने 1500 करोड़ जैसा जो है ना बड़ा बड़ा अमाउंट जो है ना पीएम के नाम पे दिया हो, उसे आप कैसे प्राइवेट फंड कह सकते हैं? कैसे प्राइवेट फंड कह सकते हैं? और बिल्कुल आप बिल्कुल इसको क्यों छिपा रहे हैं? आपने क्या घपला किया हाँ है? कहाँ खर्च किया है? क्यों खर्च किया है? क्या सोच है आपकी? नियति क्या है? आप एक के बाद एक घपला करते जाएंगे और मूर्ख बनाते जाएंगे। बस देखिए अविनाश जी, एक चीज अपन को समझना जी पड़ेगी कि हमें लोगों के बीच में जाकर उनकी भाषा में जो उनके कष्ट हैं उनको महसूस कराना पड़ेगा, और उनके कष्ट कैसे बदलेंगे आज के हालात में, और कल जी कल जब जो है ना ये दुष्ट राजनेता हार जाएंगे तो फिर बदलना ही बदलना है। आज के जी हालात में भी हमें उनकी मदद करना पड़ेगी, क्योंकि वो कल तक जीने की स्थिति में नहीं है। उन्हें जी एकदम मर्यादाहीन, आत्मसम्मान विहीन एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया है दारू पीने वाला, जिसकी कोई ना एक्चुअली मर्यादाएं हैं, ना सोच है, ना वो है। तो उस स्थिति से निकालने के लिए हमें खुद उनके बीच में जाना होगा ना। क्योंकि आम आदमी तो एक संख्या है इनके लिए। जी मैं वही कह रहा हूं। और जी जब आप उनको ये भी कहेंगे कि भैया तुम इसको लूट भी लो और तुमको जो है ना परिवर्तित भारत भी मिल जाएगा, तो उनको खोने के लिए कुछ है क्या उनके पास? जी हाँ जी हाँ नहीं, उनको पास कोई खोने के लिए कोई चीज है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर तो उनके वो पास, है ही उनके पास है ही क्या जो खोएंगे। तो उनको सब कुछ मिलना ही मिलना है। तो आप उनको यदि महसूस करा देंगे तो वो आपके पास खड़े होंगे, और एक बार में नहीं होता है तो 25 बार जाइए ना, क्या दिक्कत है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ और सही बात है, एक बार में तो बदले, कुछ नहीं देखो होगा। यदि आप चंद्रगुप्त बनना चाह रहे हैं तो बदले में आपको भी तो फायदा हो रहा है। बिना जी पांच जी पैसे खर्च किए आपको टिकट भी मिल रहा है, बिना पांच पैसे खर्च से आप जीत भी जा रहे हैं, और उसी जी रैंकिंग के आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जा रहे हैं, जो आज की व्यवस्था में तो कदापि भी संभव नहीं है। तो जी भला उनके अकेले का नहीं है, भला आपका भी हो रहा है, नहीं भला तो सभी का होना है। और देश बदल जाना है। देश में कोई गरीब व्यक्ति जी नहीं रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा, तो वो भारत कितना जी सुंदर होगा। हमारे कितने लोग टैक्स से डरते हैं और कितने लोग जी टैक्स के कंप्लायंस से डरते हैं। जी हाँ उनकी जो है ना सिट्टी पिट्टी गम होती रहती है कि साहब जो है ना वो जीएसटी वाले ना रेड पे आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले रेड पे आ रहे हैं, सीबीआई ईडी रेड पे जी आ रहे हैं उनकी। और ये जो लोग जाते हैं ये खुल्लम खुल्ला लूट 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 के बहुत सारे अपने जेबों में भर के ले जाते हैं, हाँ हाँ तो हाँ ये अपराधी हैं सारा सारा या सारा अधिकारी हैं? है? तो थोड़ी शो किया जाता है। जी मैं तो फिर ये दुष्टता है कि नहीं है, जी जी ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? हाँ अब ये देखिए ना, अभी बीसी वालों के यहाँ पहुंच गए, हाँ 8 साल से इन्हें नहीं पता था चोरी हो रही है हाँ हाँ तो भाई। पहले पहले पकड़ते, आज क्यों पकड़ रहे हो? डराने के लिए। नहीं सब पता है ना कि कहाँ पे चोरी हो रही है। हाँ 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 देखिए, भयभीत करने का तरीका है, जी हमें
इनके जितने भी भय कारित करें उनको पहचानते जाना है और उसका काउंटर डोज निकालना होगा। बिना काउंटर डोज निकाले आप लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आपकी बड़ी बातें उनके एहसास का हिस्सा नहीं है। राइट? ना ना, जब तक जैसे जैसे उनकी आप समस्या इन दूर नहीं होगी। जैसे आप इन आंखों से भगवान का विराट स्वरूप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, ऐसे ही जो बातें आप कर रहे हैं वो तो उनके लिए विराट स्वरूप जैसी हैं। उनका आज की सोच, बिल्कुल आज का एक्सपीरियंस उसे सहसा मानने के लिए तैयार नहीं करता है। राइट? जी, इसका मतलब बिल्कुल है कि हमें अपने तरीके से उसको दिव्य चक्षु देते हुए वो चीजें समझाना होंगी धैर्य के साथ, बिल्कुल जिससे जो चीज आप कह रहे हैं वो उसे समझ पाए। जी हाँ जी हाँ। इसमें कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है, तो भिड़ जाइए, जी हाँ। हम जी जी कामयाब हाँ। होंगे। हमारे नहीं जो नहीं पर्दे के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पर्दे के पीछे जो सदस्यगण हैं वो भी जुड़े, और उसके जी पीछे जी लोग जुड़े हैं। और हाँ जी हाँ जी अब जो है ना संगोष्ठियां करना चालू करिए, कम से कम दिन में 2-3 संगोष्ठी तो होना ही चाहिए अपने आस पड़ोस कहीं पे भी। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस से नहीं, जाते वक्त, आते वो वक्त, तो ऑफिस में। ये है हाँ, कि भाई जहाँ भी समय आपको मिले, 4 लोग हैं, आप चर्चा कीजिएगा। नहीं, एक संगोष्ठी ज्यादा जी, वो है कि मान लो आपने उसको बताया कि भैया हम आपके घर आ रहे हैं, आपके साथ चाय पियेंगे, हाँ ठीक है नहीं, ना? वो तो है ही तो उस भाई, तरीके से, जैसे हाँ जैसे समय उपलब्ध हो उसके हिसाब से। जी करेक्ट। और उसमें रजिस्टर में उसका नाम लिखो, उसके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ जोड़ो, और उसको ये देखो कि वो चंद्रगुप्त की शपथ ले रहा है या सदस्य की शपथ ले रहा है हाँ या विचाराधीन सदस्य बन रहा है। जो विचाराधीन सदस्य है उसको भी फॉलो अप करना है, सदस्य ने अपने हाँ संकल्प को पूरा किया वो भी फॉलो अप करना है, और जो जी चंद्रगुप्ती शपथ लिया है उसे तो जो है ना हर दिन संगोष्ठियां करना है, तो उसका भी फॉलो हाँ अप करना है। तो जब हम ये सब करेंगे तब हमको फायदा मिलेगा, जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो और कोई बात आप पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो? नहीं, तो देखिए आप बड़े स्तर पे कर रहे हैं, हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं, बात वही है, घूम फिर नहीं, के। जी लेकिन देखिए हम सब मिलके यदि जोड़ के हाँ, करेंगे तो जब तक उसका नहीं, वो संयुक्त तो है ही, प्रयास निकलेगा। जब तक एक पटल पे नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा। हाँ, और वो पटल बन गया है, अब आपको लोगों को जोड़ना है। बदले में आपको चंद्रगुप्त भी बन पा रहे हैं, आपकी सभी अपेक्षाएं जो अलग अलग करके जी, आपकी पूरी हो रही है उससे ज्यादा इसमें पूरी नहीं हो नहीं रही नहीं है। हाँ वो तो ये है गुप्ता जी, मैं तो खुद प्रयासरत रहता हूँ कि एक विचारधारा के लोग एक साथ जब तक नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा। अब बिल्कुल, तो अब और सख्ती से बढ़ जाया जाए। जी आप जी जी कहाँ विराजते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। ओके, तो जी आप थोड़ा सा फोकस इस बारे में भी करिए कि मध्य जी प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चूंकि 2023 में ही अपन को चंद्रगुप्तों को उतारना है, तो हाँ, वहां से जिनका जुड़ाव है उन पे जरा ज्यादा जी फोकस कर लीजिए, ठीक जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना? तो चीजें बहुत अच्छे से आगे निकल जाएंगी, ठीक जी है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो एक और काम पे एक पे काम कर रहा हूँ, जी जी देखिए वो पता नहीं कब पूरा होगा, आपसे भी चर्चा करता हूँ कि चाहे वो पीएम हो या मंत्री हो या कोई भी हो, जी वो पूरे राष्ट्र का है, जी तो ये एक पार्टी के लिए प्रचार क्यों करने जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र के हैं ही नहीं, वो तो उस पार्टी के हैं, उस पार्टी को नहीं लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, उस पार्टी में ही नहीं दुष्टों को टिकट बांट रहे हैं। तो जो आप वो कह रहे हैं वो नहीं, थ्योरिटिकल है, सही तो वो जो है ना वो भाजपा के हैं, देश के हैं ही नहीं। नहीं मैं भी थोड़ा सा एक इसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ ये आपका जनहित याचिका। बुक कर लीजिए आप, उसके साथ जी, साथ जो है संगोष्ठियां जरूर करिए, लोगों को नहीं, जोड़िए। वो तो है ही, उसके उसके अलावा अपन जो कुछ भी करें वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा ही है। जनहित याचिका, वो पीआईएल, तो नहीं, हमको पीआईएल लगाना ही चाहिए। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं, ये देखिए जो वहां जुडिशरी में भी बैठे हुए हैं वो जो है ना कोई टेक्निकल जवाब दे देंगे। आप ये बताइए, आपने, चलो आप सक्षम थे नोटबंदी करने के लिए, राइट? जी, कोर्ट ने मोहर लगा दी कि आपने जो है ना लीगली ठीक किया, लेकिन लीगली हाँ तो ठीक किया लेकिन अदरवाइज तो गलत काम किया आपने। जी आपने जी एक भी लक्ष्य हासिल नहीं किया, तो आपने गलत तरीके से किया नहीं, उसे, मैं लोगों को इतनी दिक्कत हुई, बिंदु तो के, नहीं आपकी इस चीज पे जो है ना कभी जुडिशरी चाहे कितनी भी आईएल लगा दो कोई आपको रिलीफ ही नहीं नहीं देगी। उन्हें नहीं, वो बात ठीक है कि, हाँ, लेकिन एक मैसेज तो जाना चाहिए ना कि भाई
ये देश के पीएम है, एक पार्टी के नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इसको अपनी चर्चाओं में भी कहिए, क्योंकि मैं करता हूं, पीआईएल तो जो करेगी करेगी, नहीं करेगी और उसका कितनी पब्लिसिटी होगी अपन को नहीं मालूम ये है, क्योंकि तो क्योंकि इस देश में पब्लिसिटी भी उसी की होती है ना जिसकी ये राजनेता चाहते हैं। हाँ, ये जिसका नहीं मैं ब्लैकआउट, तो जिसको ब्लैकआउट कराना चाहते हैं वो ब्लैकआउट होती है, पब्लिक तक पहुंचती भी नहीं है। इसकी इस बात की चर्चा हर जगह करता हूं कि भाई जनरल ये चर्चाओं में पार्टी के थोड़ी है। देखिए, जनरल चर्चाओं में करने की बजाय हम यदि जी संगोष्ठियों में चर्चा करके लोगों को हाँ, जोड़ेंगे तो उसका इमीडिएट रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकेडमिक चर्चा चर्चा के साथ खत्म हो जाएगी, ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ हाँ कर पाएंगे। लेकिन जी यदि हम जो है लोगों के साथ बैठ के संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनको हाँ हाँ सदस्य हाँ चंद्रगुप्त बना के उनको प्रेरित करेंगे कि आप भी जाके जी संगोष्ठियां लो, तो हम 8-9 दिन में इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो अभी जी 75 साल में नहीं हो पाया है। हाँ, 8-9 दिन में, 9 दिन है मैक्सिमम, यदि हम सब लोग अपने ये ही संकल्प को जो पाका पालन कर लें, जो सदस्य जी संकल्प हैं, जो आप जितने लोग आज जुड़े हैं यदि वो आज से अपने संकल्प को पूरा करना चालू कर दें, तो आज से 5 दिन जी में जो है ना हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और उस लक्ष्य के बाद जी किसी की औकात नहीं है कि आपके हक को मारे। जब जी 100 करोड़ लोग अपने छत पर चढ़ के किसी भी मुद्दे पे कोई भी जो है ना बात कहेंगे, उसको सुन के पूरा देश हिल जाएगा। हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हमें किसी के पास जाके अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, जी, राइट? तो मेरे ख्याल से यदि हम ये सोच पाएंगे कि हमारी मछली का आंख का निशाना क्या है, तो हमारी मछली के आंख का निशाना है कि हम संगोष्ठियां करें, लोगों के घर घर जाएं, आसपास जो लोग हैं उनको भी जितने इकट्ठे एक जगह हो सकते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, उनको समझाया जाए, रजिस्टर में उसका नाम पता मोबाइल नंबर लिखा जाए और जी उनके हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए जाए, उनसे पूछा जाए कि भैया आप सदस्य जिम्मेवारी लेना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती जिम्मेवारी लेना चाहते हैं या आप और विचार करना चाहते हैं। हम उसको विचाराधीन हाँ सदस्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखो, और फिर एक बार में उसको समझ नहीं आता तो दूसरी बार में समझाएं उसको और उसके हालातों को लेके समझाएं। यदि आप उसके खुद के हालातों को लेके बात करेंगे तो वो ज्यादा महसूस कर पाएगा। नहीं, तो उसके बात ही समझ में तब आएगी कि जब तक हाँ, उसको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे हित की बात कर रहे हैं। नहीं, उनके उसके हालातों में, उसकी परिस्थितियों में उसके साथ क्या हाँ अत्याचार हाँ हो रहा है, यदि आप वो उसे जी महसूस करा देंगे, क्योंकि उसके साथ तो रोज ऐसा हो रहा है ना, हाँ, कि भाई उसको रिलीफ कैसे उसको मिल कोई सकता है बलशाली व्यक्ति तभी। कुटाई कर रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये वो झेल रहा है। जी तो उसके जो बलशाली है वो उसको दबा के रखे हुए हैं, तो वो झेल रहा जी है। हाँ जी हाँ तो जी वो चीज यदि आप उसको महसूस कराएंगे तो वो उसे महसूस कर पाएगा, ठीक जी 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 है ना? तो और चलिए। हाँ इससे इससे हाँ पहले आप किस फील्ड में थे? जी मैं बेसिकली शिक्षा की दृष्टि से मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आईआईटी दिल्ली से जी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया है, एलएलबी एमबीए 3 डिसिप्लिन में हूँ, मास्टर्स इन जी पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हूँ, जैसा जी बताया कि वकील भी हूँ, एलएलबी भी हूँ। वैसे वैसे जी सेवा के हिसाब से मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, जी डीजीपी रहा हूँ 7 साल हाँ तक, जी हाँ जी 2014 से 2020 तक। और जी आज जी जो है 2 नेशनल पुलिस मिशन का मैं प्रोजेक्ट हेड भी जी हूँ, तो अच्छा, क्राइम फ्री भारत फॉर, हाँ तो फिर आपसे ज्यादा जानकारी किसको होगी? हाँ, मैं आज भी दो दो प्रोजेक्ट को हेड कर रहा हूँ, 2 नेशनल पुलिस मिशन को हेड कर रहा हूँ। तभी मुझे समझ में आया कि जहाँ राजनेता स्वयं अपराधी हूँ, वो अपराध मुक्त जी, भारत को कभी जमीन पे नहीं उतरने देंगे। नहीं, अब ये देखिए ना जी, ये जो संविधान है वो नेताओं की का सुरक्षा कवच है। हाँ, सब सभी है ने निय, अपने सब सब नियम ने सब सब नियम कानून अपने हित के बना लिए हैं, अपने हित के बनाए हुए और हैं। मोटी खाल के लोग हैं ये। आप ये जी देखिए कि 2004 के बाद किसी भी शासकीय कर्मचारी को पूरी लंबी सेवा देने के बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट जी राजनेता चार चार पांच पांच छह छह सात सात पेंशन ले रहे हैं, जी हर जी बार की इनको अलग अलग पेंशन मिलती है। तो ये बिल्कुल इतने बिल्कुल दुष्ट लोग हैं, इनको अलाउंसेस इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं, जैसे कि मान लो टेलीफोन अलाउंस जो है वो 10,000 रुपए, राइट? जब जी आपका जो है 500 600 700 में जो है ना आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ हो जाता है, तो ये अलाउंस हाँ 10,000 क्यों? बिजली के जी बिल 2 2 3 3 लाख के, तो जो है ना इनको एयर यात्रा फ्री, रेल यात्रा फ्री,
और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और ना ही एक ही चर्चा में ये सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ना सम्मिलित ना इनकी पार्टी चाहती है कि वो चर्चा में सम्मिलित हों और ना ही ये होते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ नहीं, इनकम टैक्स इनको नहीं देना। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये शुद्ध जी दुष्टता है, अब हमको इससे बाहर निकलना होगा। जन जन जी को जी इसके वो जो उसके हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, उसको उसके ही पैर की बीमारी दिखा के कि भाई साहब देखो तुमको यहाँ यहाँ पे तकलीफ हो रही है, और जी ये सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, जुड़ जाइए। और ये कत्ल जी की हाँ रात जी में हाँ यदि आपका वोट खरीदने आए तो जो है ना इनको लूट लीजिए, बिल्कुल और बिल्कुल आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ जी हाँ देखो हमें सब तरीके की ही चालें चलना पड़ेंगी। इनकी जो जी हाँ स्ट्रेंथ है उसको खत्म करना होगा, इनकी स्ट्रेंथ को इनकी कमजोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अब ये बिल्कुल बताइए, जब ये जो है ना कत्ल की रात में जाके दारू पैसे बांटेंगे, और ये जी जो है ना इनके बाद मुकदमे कायम होके इनको जेल में डाल दिया जाएगा अगले दिन, और वो भी ऑर्डिनेंस जी के माध्यम से, कहाँ जाएंगे भाग के? ये जी जो है ना लोगों को जिनको इन्होंने बांटा है और उन्होंने उनको वोट नहीं दिए हैं इस बात पे लेके उनको तंग करने, तो जाने की इनकी औकात बचेगी नहीं। ये तो छिपते भाई भागते नहीं भागे, जी छिपते भागते जी भागेंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें लोगों को आज की परिस्थिति में जो भी समाधान है वो देना पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तब हम ये बदलाव ला पाएंगे। और जी हाँ इसके जी लिए सबसे सही तरीका है कि हम जाके संगोष्ठी करें, और संगोष्ठी जी में ही वहीं पे चंद्रगुप्त खोजें, सदस्य तो जी हाँ बनाए ही जी बनाए, चंद्रगुप्त भी खोजें और चंद्रगुप्त को भी लगा दिया जाए, तो बताइए हम कितने आसानी से ये लक्ष्य पार पूरित कर पाएंगे। बिल्कुल 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 और जी उन्हीं के बीच के लोग निकल के सामने आएंगे, इससे ज्यादा जी हाँ पारदर्शी तरीका टिकट मिलने का और इससे ज्यादा पारदर्शी तरीका बिना खर्चे जीतने का कोई दूसरा हो नहीं सकता। नहीं है नहीं है जी हाँ जी हाँ जी बात मानते कि नहीं? तो इनकी सब दुष्टता बिल्कुल धरी की बिल्कुल धरी रह जाएगी, जी हाँ इनके जी हाँ पैसे धरे के धरे रह जाएंगे कि नहीं रह जी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो फिर जुट जाइए अविनाश जी। नहीं, बिल्कुल तो प्रयासरत रहते ही हैं। अब आपसे जुड़ गए और थोड़ा ऊर्जा आ गई है चलिए, तो यदि और कोई जी। बात ना हो तो फिर इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद जय हिंद।